चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। इस जगह पे वो झगड़ा हुआ, हथियार भी ले रहे थे वो लोग। हाँ जी, हथियार बंद। क्या क्या हथियार थे उनके पास? उनके पास कट्टे, गोली, तलवार, खरपल्ली, सरिये। लोगों को चोट भी आई जी? दो तो जी वे चले गए झगड़ा करके, उसके बाद वे 35-40 की तादाद में गुंडे आए, इसी रास्ते से वे गांव में दाखिल हुए। 14-15 मोटरसाइकिल। कहाँ कहाँ चोट लगी है जी आपको? इधर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सारे में। इराज भी रुक जाए, और बैठ जा रही। क्या घटना हुई थी जी? यहाँ पे दो लड़के आए थे दबंग टाइप के। यहाँ पे हमारी बारातों में दो बहनों की शादी थी हमारी, तो उन्हें लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की। हमारे बड़े बुजुर्गों ने समझा के भेज दिया। तो फिर ये कोई 6:30 बजे 35-35 लड़कों ने लिया मुँह लपेट के और उन्हें बजाना शुरू कर दिया। तो ये चोट कैसे आई आपको, क्या मारा है? ये मारा जी तलवार। तो आपको रेफर भी कर दिया था ये? हाँ जी, कांधले से रेफर कर दिया था मुजफ्फरनगर के लिए। तो कितने दिन भर्ती रहे आप? हम आज 3-4 दिन भर्ती रहे। कौन लोग थे वो, किस समाज से थे? वे गुज्जर समाज के लोग थे और वे तित्रवाड़े की साइड से गांव में दाखिल हुए। उन्होंने जैसे ही गांव में प्रवेश किया, जो सामने आया उसको चोट मार दी। तो प्रोग्राम आपके यहाँ था जी, तो उसमें दलित भी शामिल थे? जी बिल्कुल, दलित हमारे साथ ही है। तो उनके साथ भी मारपीट हुई है जी? जो सामने आया उसमें दलित हो, कश्यप हो, कोई भी हो, उन्हें अपनी बदतमीजी पूरी की। जो यहाँ के दबंग लोग हैं, गरीबों को तो हमेशा दाबते ही आए हैं। आप बता रहे थे कि आसपास के गांव में भी कुछ घटना? हाँ, आसपास के गांव में भी यही। यहाँ जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसमें जर्जर बहुत बुरी हालत है कि गरीबों को हमेशा यहाँ कुचला जाता है और दाब के रखा जाता है। इस तरह की घटना देखो जी ऊंचा गाँव वालों के साथ तो कभी नहीं हुई। ये पहली घटना है, इसमें भी हमारी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। आज तो दो लड़कियों की शादी है, उसके बाद होर की भी है, फिर भी आवेंगे वे, फिर भी यही काम करेंगे। आखिर कब तक ये काम चलता रहेगा? लड़की की शादी में कोई दिक्कत आई उससे? हाँ जी, लड़की की शादी में वो दिक्कत तो आई नहीं जी। मारपीट हो जा, ऐसी गुंडागर्दी हो जा, तो इससे बड़ी दिक्कत होर की होगी जी। गरीब आदमी को तो कोई जिंदगी नहीं रहने की। ऐसे गरीब आदमी एक रुपया कैसे कैसे जोड़ा ये? वैसे तो मेरे बच्चों को भी मार कर चले जाते जी। हाँ घर पे आ गए जी, कोड़ में धक्के मुक्के मारते गए सब, यानी कि मर गया। कच्ची गंदी गाली दे के गए, बहुत गंदी गंदी जी। ये बड़े लोग है जी, पैसे भर दें, रिपोर्ट करने गए, रिपोर्ट नहीं पकड़ी जी। नू बताओ नू कैसे चलेगा? आस लेगा बैठा गरीब आदमी। हाँ जी मोदी यू करेगा, यू करेगा। अब की बार भी जी मोदी को ही वोट दी नू भी तो दी। मगज की सरकार अच्छी है पर नहीं जी, जब हमारी नहीं सुनवाई होगी, सब समाज की सुनवाई नहीं होगी ना, तो उस तक तक जाएंगे। यही तहरीर हम DMO ऑफिस लेकर गए, कप्तान के यहाँ भी यही तहरीर है। ये थाने में अत्यत्य तहरीर का नहीं पता कैसे बदली। अभी कुछ मतलब गिरफ्तारी की है उन लोगों ने? नहीं, अभी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं, किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं। तो आपने रिपोर्ट में किस किस के नाम लिखवाए, कितने लोगों के नाम? रिपोर्ट एक जो एक बाइक बरामद हुई थी जी, देखो वे सारे उसमें थे, जानते नहीं। बगल के गांव के गुंडे आए थे तो सबको तो जानते नहीं। वो बाइक पकड़ी गई थी, वो हमने पुलिस को सौंप दी थी। उसका मालिक पुलिस को मिल गया, आज तक वो भी अरेस्ट नहीं हुआ। तो और को जो जिन्हें जानते हैं कैसे पकड़ेगी, वो जिसे जानते हैं वो ही आज तक नहीं गिरफ्तार किया गया पुलिस। ये जी दबंगों की है, पूंजीपतियों की सरकार है, गरीब का इसमें कुछ नहीं है। गरीब तो कुचला जाता था और कुचला जा रहा है।
जी आप बता रहे थे कि पंचायत भी हुई 12 गांव की। जी हाँ पंचायत हुई। उसमें क्या फैसला हुआ, क्या हुआ उसमें? उसमें जी अगर हमारी कार्रवाई नहीं हुई, प्रशासन हमारी नहीं सुनता, पुलिस हमारी नहीं सुनती, हमारी साथ ऐसी मतलब ये घटना करेगी तो हम महापंचायत करने पर मजबूर है। कि अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम होगा जी महापंचायत, संघर्ष करेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा पुलिस के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे बराबर। तेरा नहीं है ना, पर तेरा नहीं मुंह तो छोड़ा खड़ा रहा।